नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुलेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज बात करेंगे कैसे आम लोग हो रहे हैं गरीब और अमीरों की बढ़ रही है संपत्ति। भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है जहां हर तबके के लोग रहते हैं। एक तरफ जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ झुग्गी बस्तियां और चौल भी हैं। देखा जाए तो भारत में वित्तीय असमानता का अंतर बहुत बड़ा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है कि साल 2021 में देश की कुल राष्ट्रीय आय का 1/5 यानी कि 22% हिस्सा देश के 1% अमीरों के पास ही रहा। टॉप 10% अमीरों के पास 57%, जबकि निचले गरीब तबके के 50% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय आय का सिर्फ 13% ही हिस्सा रहा। जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत के हर अडल्ट की औसत आय 2,400-2,200 रुपए होगी, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भी देश की औसत राष्ट्रीय आय असमानताओं का मुखौटा बताती है। संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो ये असमानता और ज्यादा है। निचले 50% भारतीय परिवारों के पास तो लगभग कुछ भी नहीं है। देश की कुल संपत्ति का करीब 29.5% हिस्सा देश के मिडिल क्लास लोगों के पास है, जो कि रिलेटिवली गरीब है। टॉप 10 अमीर लोगों के पास कुल संपत्ति का 65% और टॉप 1% अमीर परिवारों के पास देश की कुल संपत्ति का 33% हिस्सा है। ये स्थिति सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का यही हाल है। mid-90s से लेकर अब तक दुनिया भर में 38% संपत्ति ग्रोथ पर दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों का ही कब्जा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में इसका खुलासा हुआ है। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी इसके मुख्य लेखक हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में दुनिया के सबसे अमीर 10% लोगों के पास दुनिया का 60-80% धन है, जबकि सबसे गरीब आबादी के पास 5% से भी कम धन है। 1995 में दुनिया के सबसे अमीर 0.01% लोगों की संपत्ति वैश्विक संपत्ति का 7% थी, जो कि 2021 में बढ़कर 11% हो गई है। इस ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि दुनिया के 1% अरबपतियों से एक नए तरीके का टैक्स लिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि $10,00,000 यानी 7.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वालों से 1% से लेकर वैश्विक अरबपतियों से 3% की दर से टैक्स वसूले जाने पर वैश्विक संपत्ति का 1.6% धन जमा किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15% का मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है। इधर भारत की बात करें तो देश में प्रति व्यक्ति की आय में करीब 3,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इस बात का खुलासा संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा दिए गए एक जवाब से हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से पूछा गया कि क्या सरकार ने पिछले 3 साल में राज्यवार प्रति व्यक्ति आय का हिसाब किताब लिखा है, शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति आय में कितना अंतर है और इसे पाटने के लिए सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2020-21 के बीच में प्रति व्यक्ति की आय में 3,000 रुपए का इजाफा हुआ है। 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय 1,25,883 रुपए थी। साल 2019-20 में करीब 9,000 रुपए बढ़कर आय 1,34,186 रुपए हो गई। इसके बाद कोरोना आने से वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय करीब 6,000 रुपए गिरकर 1,28,829 रुपए सालाना बची है। अगर डॉलर को मुद्रा का आधार माने तो साल 2020 में हर भारतीय परिवार की घरेलू संपत्ति में 6.1% की कमी आई है, और अगर रुपए को आधार माने तो ये कमी 3.7% की है। संपत्ति में आई इस कमी की मुख्य वजह है जमीन और घरों के दामों में भारी गिरावट। ऐसे भारत की कुल घरेलू संपत्ति में जो गिरावट है वो 8.4% की है। वैसे कुछ वित्तीय संपत्ति जैसे शेयर बाजार में लगाए गए पैसों पर मिल रहे अच्छे रिटर्न्स की वजह से 2% गिरावट की भरपाई कर ली गई है। स्विस बैंक क्रेडिट स्विस की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। दुनिया भर में बड़ी असमानता का दावा करने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट की वजह से सबसे धनी समूह न सिर्फ इससे अछूता रहा है, बल्कि शेयर्स के दाम बढ़ने और घरों के दामों पर ब्याज दर कम होने से इन्हें फायदा ही मिला है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर की संपत्ति में 7.4% का इजाफा हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति संपत्ति सिर्फ 6% ही बढ़ी है। साल 2020 में उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों में संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है। वहीं ब्याज की दरें कम होने की वजह से मध्यवर्गीय लोगों के फिक्स डिपॉजिट और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसे की बढ़ोतरी कम हुई, जिससे ये असमानता और बढ़ गई है। भारत में 3.2 करोड़ लोगों का मध्य वर्ग से बाहर हो जाने के लिए यही नीतियां जिम्मेदार हैं। तेजी से बढ़ती संपत्ति, बढ़ती असमानता और सरकारों को हो रहे घाटे की वजह से पिछले काफी समय से अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स वसूलने की बात चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जहां कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने और उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगाने की बात कही है, वहीं ब्रिटेन में भी इसी तरह की मांगें उठ रही हैं। अर्जेंटीना और बोलिविया ने तो पिछले साल से अमीरों से टैक्स वसूल कर फंड का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।